अगर तुम सोच रहे हो कॉलेज की थोड़ी बहुत पढ़ाई करके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना के इंटर्नशिप मिल जाएगी, तो तुम 99% लोगों में से हो जिनको कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं मिलने वाली है। एंड फिर एंड में आप लोग बोलोगे कि यार अब तो प्लेसमेंट में फोड़ ही दूंगा। सो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करने वाले हैं, आई नो। सो आज वाली वीडियो में वही सब डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं करता अगर मेरे को 2025 में इंटर्नशिप चाहिए होती। अब मैं इस चीजें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सेकंड ईयर में मैंने एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप करी थी एंड थर्ड ईयर स्टार्ट होने से पहले मेरे को सैमसंग में इंटर्नशिप ऑफर हो गई थी। एंड उसके अलावा मैंने गोल्डमैन सैक्स एंड आरसीजीएम के लास्ट राउंड तक इंटरव्यूज भी दिए थे। सो आज वाली वीडियो में यही सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूँ। एंड यार टेंशन मत लो, निशान तुम्हारे साथ है, सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से पहले कमेंट कर दो विच इज योर ड्रीम कंपनी एंड डू लाइक दिस वीडियो बिफोर वी स्टार्टेड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड AlgoPrep X, जहाँ पे तुम्हें DSA डेवलपमेंट LLD इसके साथ साथ तुम्हारा DevOps एंड AI प्रेप, कंप्यूटर साइंस प्रेप जैसे OSDBMS, Oops, कंप्यूटर नेटवर्क, सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह पे। एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर रिक्वायर्ड, या फिर जिनसे तुम्हारे मोस्टली DSA के क्वेश्चन 99% हो जाएंगे पूरे, सब एक प्लेटफॉर्म पे ही। एंड जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है दैट ऑल्सो स्टार्ट अंडर 3,000 rupees फॉर अ ईयर। एंड अगर 4 साल का लेते हो तो तुम्हें पर डे 4 रुपये से भी कम का पड़ेगा। So, जल्दी से चेकआउट करो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कोहोर्ट 5 फॉर DSA हैज आल्सो स्टार्टेड, समवन फ्रॉम द कोहोर्ट 1 हैज रिसेंटली गॉट इंटर्नशिप एट गूगल। तो तुम भी भाई आ जाओ, ज्वाइन करो, पढ़ाई करो मस्त AlgoPrep पे एंड वील हेल्प यू आउट सिक्योर योर इंटर्नशिप। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल, आई एम निशान चाहर, आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली बिल्डिंग तैयारी एंड AlgoPrep। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आ जाएगा फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। अगर आप बस कॉलेज के असाइनमेंट्स करके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना के सोचोगे कि जो इंटरव्यूअर है या फिर हायरिंग मैनेजर है वो आप लोगों का इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ट्राई टू सॉल्व सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तुम्हारे प्रोजेक्ट से थोड़ी इनोवेशन दिखनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम कर रहा होता, जैसे पॉल्यूशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट जिससे रियल लाइफ में हेल्प हो पाए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको डेफिनेटली आगे तुम चेकआउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट पहले तो नहीं करना है किसी भी प्रोजेक्ट को। अगर कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो किसी दोस्त के साथ बना के या फिर कहीं से कॉपी कर लिया है, तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तुम सारे WH क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ, कैसे किया, क्यों किया एंड कैसे किया, ये सारे क्वेश्चंस का तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। सारे WH क्वेश्चंस तुम आंसर कर पाओ। एंड इसके साथ साथ यू शुड नो कि कौन सा टेक्स्ट स्टैक यूज किया है एंड क्यों यूज किया हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस का तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए अगर तुम कॉपी कर भी रहे हो तो। सेकंड चीज आती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज द की। अगर तुम नेटवर्क नहीं कर रहे होगे तो तुम्हें इंटर्नशिप्स मिलना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, बिकॉज जो बिग फर्म्स है वो कंपैरेटिवली कम इंटर्नशिप्स में हायर करते हैं लोगों को, प्लेसमेंट्स में ज्यादा करते हैं, बट जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को हायर कर रहे होते हैं। अगर तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है, अगर तुम्हें पता है कि कौन सी कंपनी कब हायर कर रही होती है, अगर तुम्हारे दोस्तों ने इंटर्नशिप करी हुई है किसी स्टार्टअप में, तो इट इज इजियर टू गेट रेफरल्स एंड इट इज इजियर टू सिक्योर एन इंटर्नशिप। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लिंक्डइन पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करता, उनको पर्सनलाइज मैसेज भेजता। जितने भी मेरे को कंपनीज पता है, एटलीस्ट हर कंपनी के मेरे पास 3 या 4 कनेक्शन होने चाहिए प्लेसमेंट्स तक। तो अगर इंटर्नशिप के लिए तुम कर रहे हो तो भी तुम्हारे पास स्टार्टअप रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कौन सी कंपनी कब हायर कर रही होती है, किस कंपनी ने कब फंडिंग उठाई है, ताकि तुम उस कंपनी को रीच आउट कर सको फॉर इंटर्नशिप्स। इसके अलावा तुम लिंक्डइन पर अपने प्रोजेक्ट्स को ना शोकेस कर सकते हो, बस शोकेस नहीं करना है। इसके अलावा मैं क्या करता है, उनसे मेंटरशिप एंड एडवाइस मांगता और लोगों से कि इसमें मैंने ये चीजें करी हैं, व्हाट एल्स आई कैन डू या व्हाट कुड आई हैव डन बेटर। एंड इट इज ऑलवेज इजियर टू गेट एन इंटर्नशिप अगर दूसरा सामने वाला बंदा आप लोगों को पहले से जानता है। अगर पहले से कैसे जानेगा, आप पहले से लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर रहे हो, अपनी लर्निंग्स को शेयर कर रहे हो एंड एक्चुअली लोगों से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो। थर्ड चीज जो आती है वो है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। मैंने भी यार कॉलेज के टाइम पे इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था, बट आई एम टेलिंग यू अब 2024-2025 में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी हैं। अगर तुम ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो तुम एक्चुअली उन लोगों के रेडार में आ जाते हो जो बाद में हायर करने वाले हैं। तो इट इज वेरी गुड टू लाइक ट्राई फॉर GSOC। मैं खुद ट्राई करता GSOC करने का, पहले उसके लिए आप लोगों को लेकिन टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेगी, वेब डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी, DSA वगैरह सीखना पड़ेगा, उसके लिए डू चेक आउट AlgoPrep.in। अब इससे होता क्या है, तुम बड़े प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, तुम एक्चुअली सीखते हो कि रियल वर्ल्ड में काम कैसे हो रहा होता है, कंपनीज में काम हो कैसे रहा होता है, एंड इट इज गुड सिग्नल फॉर अ कंपनी अगर तुम वहां पे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। फाइनली जब कोई भी कंपनी हायर कर रही होती है तो आप लोगों के GitHub प्रोफाइल को देख रही होती है, आप किस टाइप के कंट्रीब्यूशंस वगैरह करते हो, आपको एक्चुअली कोड करना आता है नहीं आता है, एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट द फाइनल इंटर्नशिप। फोर्थ हमारा आ जाएगा पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन कॉन्टेस्ट एंड देन अपसॉल्विंग। कॉम्पिटेटिव
प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है, सब लोग करने लग गए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट। लीडकोड और कोड फोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो तुम्हारी रैंक है वो एक्चुअली रिक्रूटर्स को दिखाती है कि तुम्हें कोडिंग करना आता है, तुम्हें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है, तो उस पर भी ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुम्हारी जगह होता हूं तो रेगुलर कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करता है, इसके बाद अपसॉल्व करने का ट्राई करता हूं। हो सकता है कि तुमसे दो क्वेश्चन ही सॉल्व हों, बाकी दो ना हो, तो उन दोनों क्वेश्चन को मैं एक्चुअली एडिटोरियल में जाके देखता, कम्युनिटी में पूछता एंड अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता। फाइनली अगर उसका सॉल्यूशन मेरे को समझ आता तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट टाइम उसके जैसा कोई और अगर मेरे को क्वेश्चन दिखेगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दोस। नेक्स्ट इज टेलरिंग योर रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूमे को बहुत अच्छा बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, लोग उस पर बिल्कुल टाइम देते ही नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली दोनों के लिए वीडियोज बना रखी है, आई बटन में आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगी, जिसमें मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी कैसे बनाते हैं वो एंड एक रेज्यूमे अच्छा क्या होता है वो दोनों के बारे में बताया हुआ है। एंड रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का वो 7 सेकंड वाला रूल एक्चुअली ट्रू है। मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है रिक्रूटर्स के साथ जो अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जिन्होंने काम किया, इसके अलावा TCS एंड तुम्हारी विप्रो जैसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम किया हुआ है। सबका कहना यही था कि 7 सेकंड रूल इज एक्चुअली एप्लीकेबल। तो 7 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाना चाहिए रिक्रूटर को जिसकी वजह से वो आपके रेज्यूमे में और टाइम लगाए। एक चीज जो मैं करता हूं, अपने रेज्यूमे को डेफिनेटली ट्वीक करता रहता जिस प्रोफाइल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। आप लोगों ने अगर मशीन लर्निंग के ही प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो रेज्यूमे सेलेक्ट होना बहुत ज़्यादा टफ है। वाइस वर्सा अगर आपने सिर्फ वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, आप मशीन लर्निंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगी। जिस इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड, उसके रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स आप लोगों को ऐड करने हैं एंड प्रोजेक्ट्स को अच्छे से हाईलाइट करो। एंड जितना ज़्यादा अच्छा रेज्यूमे बनाओगे उतना ज़्यादा रिक्रूटर्स को भी लगता है कि हाँ, दिस गाय और दिस गर्ल इज सीरियस एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है कोल्ड ईमेल्स एंड DMs। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहीं पे भी ओपनिंग्स नहीं निकालते हैं, सिर्फ रेफरल्स के थ्रू इंटर्नशिप्स देती हैं या फिर कोल्ड DM के थ्रू अगर किसी को तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी लग जाती है तो वो आप लोगों को इंटर्नशिप दे रही होगी। ऐसी एक कंपनी का एग्जांपल है Zomato। Zomato की कभी भी तुम्हें हायरिंग पोस्ट नहीं दिखेंगी, वहाँ पर बस वही लोग हायर करते हैं जिनको या तो रेफरल मिल रहा होता है उनके करंट एम्प्लॉयज से या फिर उनके जो HRs हैं वो रीच आउट कर रहे होते हैं। एंड कोल्ड ईमेल का मतलब ये नहीं है कि तुम बस एक ही मैसेज सब लोगों को चेप दो, तुम्हें एक्चुअली उस मैसेज को टेलर मेड करना पड़ेगा जिस भी पर्सन को आप वो भेज रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस को देखो, वो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कौन से टेक स्टैक पे काम करते हैं, उस हिसाब से उस कोल्ड ईमेल को या फिर कोल्ड मैसेज को चेंज करो। और मैं तुम्हारी जगह होता तो ये तो 110% करता। एंड जब भी किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो तो रेफरल लेना बिल्कुल मत भूलना, रेफरल भी लेना है आप लोगों को, कोल्ड DM भी करना है। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने लोगों से जब बात करी है, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट करे, उन लोगों ने सबने यही बताया कि रेफरल के थ्रू जाओगे तो तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब, गेटिंग एन इंटर्नशिप इंक्रीजेस टेनफोल्ड। नेक्स्ट एंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग DSA एंड डेवलपमेंट। बहुत लोगों का यही डाउट होता है कि मैं DSA करूं या डेवलपमेंट करूं। देखो भाई, दो कैटेगरीज हैं। इफ यू आर फ्रॉम अ कॉलेज जहां पे कंपनीज आपके लिए इंटर्नशिप के लिए आएंगी, DSA इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे पहले जो OVA होगा वो सब इसी पे हो रहा होगा एंड उसके बाद ही आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर हो रही होगी। सेकंड नंबर पे डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट्स। बस ये नहीं है कि तुम बस DSA कर लोगे, बस डेवलपमेंट कर लोगे तो हो जाएगा, दोनों करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट इफ यू कम फ्रॉम अ कॉलेज जहां पे इंटर्नशिप के लिए कंपनीज नहीं आते हैं, देन डूइंग डेवलपमेंट फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू उन कंपनीज को रीच आउट कर रहे होगे, उन कंपनीज में जा रहे होगे जो आपको इन सब के बेसिस पे जज कर रही होगी, आपके प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे जज कर रही होगी, आपकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज पे जज कर रही होगी एंड उसके बाद शायद थोड़ा बहुत DSA पूछ ले। सो ये दो स्टेप्स होते हैं, रिवर्सल चलता है। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं तो पहले DSA करो, नहीं आ रही तो पहले डेवलपमेंट करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अप्लाई। जितना ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो उतना ज़्यादा अप्लाई करो। दिन की 100-100 एप्लीकेशन भरनी है तो 100-100 एप्लीकेशन भरो। जितने ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हो उतने ज़्यादा लोगों को रीच आउट करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बैठे रहोगे, 10 लोगों को मेल भेज दोगे, सोचोगे इसमें से मेरी इंटर्नशिप लग जाए, तो नहीं लगेगी। जब तुम 100 लोगों को मेल भेजते हो तो हो सकता है 2 या 3 या 4 या 5 का तुम्हारे पास रिप्लाई आए, मोस्टली सिंगल डिजिट में रहता है 100 में से। उसके बाद किसी कंपनी में तुम्हारा जाके इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उसके बाद फाइनल तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो 100 में जाके अप्लाई करोगे तब जाके 1 या 2 में कहीं इंटर्नशिप मिल रही होगी। एंड बस आंखें बंद करके अप्लाई नहीं करना है, अच्छे से अप्लाई करना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड भाई सिंपल मैथ्स है, जितने ज़्यादा बेट्स तुम लोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे टू गेट एन इंटर्नशिप। जितने ज़्यादा तीर मारोगे उतना ज़्यादा सेंटर में लगने के चांसेस होंगे। तो जितनी ज़्यादा जगह अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है टू गेट एन इंटर्नशिप। अब कमेंट्स में ये जरूर बता देना तुम्हारा इंटर्नशिप लेने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल है क्या। तुम अभी DSA कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।